Today we are going to study today we are going to study a case study which is on F company Philips a case studies taken from the marketing management book of Philip Kotler. So let's get started. Royal Philips Electronics established in 1891 is one of the world's largest electronics companies and one of the most respected brand. तो जो रॉयल फ़िलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स है ये ओरिजिनल नेम है रॉयल फ़िलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का 1891 से स्टार्ट हुआ है तो बहुत पुरानी कंपनी है इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला तो सोचिए कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के पहले सौ साल से भी पहले से ये ये कंपनी चली आ रही है एंड इट इज़ वन ऑफ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज में सबसे बड़ी कंपनी है एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रांड और फिलिप जो ब्रांड है बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड ब्रांड है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है बहुत ही सुपीरियर है एंटॉन एंड जरा फिलिप्स स्टार्टेड फिलिप्स एंड कंपनी इन एटीन नाइनटी वन सो द फाउंडर कौन फाउंडर थे एंटोन फिलिप्स एंड जरार फिलिप्स तो ये शायद ब्रदर्स थे स्टार्टेड फिलिप्स एंड कंपनी इन 1891 इन इडन वेन द नेदरलैंड बाय मैन्युफैक्चरिंग कार्बन फिलामेंट्स लैम्प तो इन्होंने नेदरलैंड में कंपनी स्टार्टेड की और इन्होंने कार्बन फिलामेंट लैम्प मैन्युफैक्चर करना तब स्टार्ट किया था तो पहला प्रोडक्ट ये था कार्बन फिलामेंट लैम्प और उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डाइवर्सिफिकेशन uh, किया देयर फर्म इवेंचुअली इवॉल्व इन टू अ ग्लोबल कंपनी एंड टूडे एम्प्लॉय फोर्स ऑफ वन लाख सिक्सटीन थाउजेंड अराउंड द वर्ल्ड तो बहुत ही ज़्यादा मैन पावर है वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड फर्म इवेंचुअली इवॉल्व इन टू अ ग्लोबल कंपनी तो अभी ये बहुत बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी या ग्लोबल कंपनी बन चुकी है अ मार्केट लीडर इन मेडिकल डायग्नोस्टिक इमेजिंग पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम एनर्जी इफिशियंट लाइटिंग सोल्यूशंस

तो ये बहुत बड़े बड़े नाम आपको दिखाई दे रहे हैं एनर्जी इफिशियंट लाइटिंग सोल्यूशन तो इसमें बर्ड ऑल टाइप्स के जो लैम्प्स है लाइट्स है या इलेक्ट्रिकसिटी से चलने वाले जो जो भी इक्विपमेंट्स है वो सब आ जाएंगे ठीक है लाइफ स्टाइल सोल्यूशंस फॉर पर्सनल वेलबींग तो इसमें बहुत सारे गैजेट्स आ जाएंगे इवन इनफैक्ट आई थिंक आपके हाउस होल्ड यूटेंसिल्स भी देंस दैट इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस भी आ जाएंगे

प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर करना ही है बट ये पचास हजार प्रोडक्ट्स को सर्विस भी प्रोवाइड करनी है सपोज ये रि, रिपेयर करना है प्रॉब्लम आ गया कुछ उसमें डिफेक्ट्स uh, आ गए कुछ एरर्स आ गए कुछ uh, uh, कुछ सर्विस uh, प्रोवाइड करना है सपोज कुछ पार्ट्स फेल हो गए uh, मतलब आपको पता ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक हाउस होल्ड अप्लाइंसेस कितनी बार खराब होते हैं तो उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा ना तो ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं पचास हजार प्रोडक्ट्स को सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम है इन 2014 द फर्म रिपोर्टेड सेल्स ऑफ अराउंड 30 बिलियन डॉलर सो 30 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी आ, मतलब एक अमाउंट है थर्टी बिलियन डॉलर अगर आपको बता दूँ तो इंडिया का आ, जो डिफेंस बजट है वो सेवेंटी बिलियन डॉलर का है और उसमें बहुत सारे मतलब पंद्रह लाख लोगों को सैलरी दी जाती है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स उससे परचेस किए जाते हैं तो ये जो कंपनी है थर्टी बिलियन डॉलर की है तो आप इमेजिन कर सकते हैं इट ऑफर्स प्रोडक्ट कंटेंट एंड सपोर्ट इन हंड्रेड कंट्रीज इन ओवर थर्टी फाइव लैंग्वेजेस तो हंड्रेड हंड्रेड कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज में सपोर्ट प्रोवाइड करती है और

फिलिप्स को एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा जिस में एक जो मल्टीनेशनल uh, कंपनी को जो जो मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जो सूट होता है और उस uh, वो कल्चर उनको अडोप्ट करना पड़ेगा और ऐसा कल्चर अडोप्ट करना पड़ेगा जिसमें अदर कंट्रीज का कल्चर भी मर्ज हो जाए या एक्सेप्ट हो जाए मैनेजमेंट टू सॉलिडिफाई इट्स रेपुटेशन एज अ ग्लोबल ब्रांड

द वर्ड फिलिप्सो अपन द ग्लास ऑफ द मेटल फिल्मेंट लैम्प तो उन्होंने क्या कर दिया ये जो फिलिप uh, वर्ड है वो ग्लास फिलामेंट ग्लास गड ऑन द ग्लास ऑफ इट्स मेटल फिलामेंट लैम्प मेटल फिलामेंट लैम्प पे वो लिखना चालू कर दिया फिलिप ताकि इनके प्रोडक्ट्स आसानी से आइडेंटिफाई हो और ब्रांडिंग भी हो और एडवर्टीजमेंट भी हो इन 1898 नाइनटी

पोस्ट कार्ड को एज अ मार्केटिंग टूल यूज किया विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड फिलिप्स प्रिंटेड इन अ रो ऑफ लाइट बल्ब्स एट द टॉप ऑफ एवरी कार्ड तो डच कंपनी ने अपना ब्रांडिंग करने के लिए पोस्ट कार्ड इशू किया और उस पर फिलिप लाइट बल्ब का जो सिंबल था या जो साइन था वो उसने प्रिंट कर दिया ताकि आई थिंक ये कंपनी इतनी बड़ी आ, बन गई कि इस डच कंपनी ने मार्केटिंग टूल एजस्ट कार्ड यूज किया और उस पर भी फिलिप का लोगो लगा दिया तो इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी, थी कि एक गवर्नमेंट ने अपने अपना एडवर्टिजमेंट करने के लिए पोस्टकार्ड पर फिलिप का लोगो लगाया ऐसे ये बात बोल, आ, ऐसे ये इंफॉर्मेशन इन्फौ, दे रहे

द रेडियो वेव्स ट्रेवल तो इन्होंने क्या किया स्टार्स uh, वेव्स ये सिंबल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और जनरली ये जो हम लोग यूज़ करते हैं ना जो फ़िलामेंट्स uh, में जो इलेक्ट्रॉन uh, प्रोटोन uh, ये जो ये सब चीज़ें होती है ये एक्चुअल में एटमोसफियर uh, में भी होती है स्काई में भी होती है uh, ये अपना पूरा यूनिवर्स में भी होती है तो ये जो है उन्होंने ये रेडियो वेव सिंबलाइज करने के लिए स्टार्स और रेडियो uh, वेव्स का यूज किया इन 1930 द वेव्स एंड स्टार्स वेर एनक्लोज इन अ सर्कल एज पार्ट ऑफ द डिजाइन तो उन्होंने क्या किया बाद में लोगों मॉडिफाई uh, कर दिया वेव्स और स्टार एक सर्कल में एक गोल में वो दिखाना चालू कर दिया

लिखा होता है तो वैसा लोगों शुरू कर दिया ताकि कोई कॉपीराइट मार्क ना हो कोई आ, 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 और इनका ब्रांडिंग अच्छे से हो कॉपीराइट प्रॉब्लम या लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए इन्होंने मॉडिफाई कर दिया अपना लोगों हाव एवर द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग अपने जो प्रोडक्ट्स थे अपने अपने जो कैटेगरीज थे उसमें भी इन्होंने एडवर्टिजमेंट करना ब्रांडिंग करना पोजिशनिंग uh, करना चालू कर दिया मतलब इतना पचास हज़ार प्रोडक्ट्स के लिए एक ब्रांडिंग या एक पोजीशन पॉसिबल नहीं है तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग टाइप की ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट कर दिया बिटवीन नाइनटीन एंड नाइनटीन ऑल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कैंपेंस वे आर कैरीड आउट एट दी प्रोडक्ट लेवल ऑन लोकल मार्केट बेसिस तो इनका प्रॉब्लम यह है कि जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं वो लोकल मार्केट में भी बेचे जाते हैं तो वहाँ पे लोकल लेवल एडवर्टीजमेंट लोकल लेवल ब्रांडिंग पोजीशनिंग लगती है और हर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग पोजीशनिंग ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा द कंपनी डस फाउंड इटसेल्फ रनिंग मेनी डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेंस वंस तो कंपनी के 50000 प्रोडक्ट्स है तो मार्केटिंग कैंपेन भी बहुत सारी मार्केटिंग कैंपेन चलानी पड़ेगी एंड नॉट अलोइंग फॉर द ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी तो कंपनी ने uh, एक लोग अपना जस्ट ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन करने की जगह हर प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया बिटवीन एंड फिलिप्स टफ फ्रॉम फ्रॉम अप अप दियाट्रॉनिक्स में जापानीज कंपनी ने फिलिप्स को बहुत टफ कॉम्पिटिशन दिया विच कट इन टू इट्स मार्केट शेयर और उसका मार्केट शेयर लगातार गिरता चला गया बिकॉज दे हैड लार्ज ऑटोमेटेड प्लांट्स जापानीज कंपनी में ऑटोमेटेड मशीन्स uh, uh, होते हैं उनके प्लांट्स फैक्ट्रीज भी ऑटोमेटेड होती है वहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स काम करते हैं द जापानीज कंपनीज वे एबल टू फ्लड मार्केट्स विद द इन एक्सपेंसिव कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तो जापानीज कंपनी जैसे सोनी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जापानीज सेंसुई है शार्प है तोशिबा है ऐसे प्रोडक्ट्स ने क्या कर दिया चीप सस्ते वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मार्केट में सेल करना चालू कर दिया दिस रिक्वायर्ड फिलिप्स टू क्लोज इट्स लेस प्रॉफिटेबल फैक्ट्रीज एंड स्टार्ट क्रिएटिंग लार्जर एंड मोर इफेक्टिव यूनिट्स तो फिलिप्स ने अपने जो लॉस मेकिंग यूनिट्स थे वो बंद वो बंद बंद कर कर दिए दिए जिसमें लॉस होता था और बड़े बड़े फैक्ट्रीज uh, uh, खोलना चालू कर दिया जहां पे उनको इकोनॉमी स्केल मिले द कंपनी ऑल्सो क्लोज इट्स बिजनेस यूनिट्स इन डिफेंस एंड होम अप्लायसेज दैट वेर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स कोर बिजनेस सो फिलिप्स ने डिफेंस uh, एक कैटेगरी भी ओपन करके रखा था होम अप्लायंस कैटेगरी भी ओपन करके रखा था इसने वो वो क्लोज कर दिया क्योंकि कोर बिजनेस से मैच नहीं हो रहा था टू रिड्यूस कॉस्ट इट बिगेन शेयरिंग इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस विद अदर लार्ज कारपोरेशन इंक्लूडिंग एटीएन टी एंडमेंट तो जापानीज कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत अग्रेसिव थी तो फिलिप्स uh, ने क्या किया फिलिप्स ने ए टी एंड टी एंड सीमेंट्स के लैब्स उसके इक्विपमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करना चालू कर दिया इससे उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो गया फिलिप्स हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोनेस एंड एबिलिटी टू इनोवेट तो फिलिप्स टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर कंपनी है और इनोवेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करती है सब देखो कि जो uh, जो कंपनी पचास हज़ार प्रोडक्ट बनाती है वो कितना इनोवेशन करती होगी इट इज़ क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग रेडियो ऑडियो कैसेट तो इन्होंने पहली बार फिलिप्स ने ही रेडियो कैसे ऑडियो कैसेट का इन्वेंशन किया था रेडियो का इन्वेंशन फ़िलिप्स ने ही किया था वीडियो कैसेट रिकॉर्डर वीसीआर का भी इन्वेंशन फिलिप्स ने ही किया था कॉम्पैक्ट डे सी का भी इन्वेंशन फिलिप्स ने ही किया था डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क का भी इन्वेंशन फिलिप ने ही किया था इससे पता चल जाता है कि कंपनी इनोवेशन पर कितना बिलीव करती है विश्वास करती है और कितना एग्रेसिवली काम करती है हाव एवर सिंपली बींग एबल टू यूज़ टेक्नोलॉजी इन न्यू एंड इनोवेटिव वेज वॉज नॉट इनफ फॉर द कंपनी तो सिर्फ टेक्नोलॉजी इनोवेशन करना uh, का उसी का ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी उसको आपको चीप करके लोगों को अवेलेबल भी करनी पड़ेगी और कम्युनिकेट करनी पड़ेगी इट वॉन्टेड टू बिकम अ ग्लोबल ब्रांड एंड चैम्पियन द चैंपियन द आइडिया दैट टेक्नोलॉजी विल इम्प्रूव इट पीपल्स लाइफ्स तो सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप करके इनोवेट करके फायदा नहीं है उससे कम लोगों का इंडिविजुअल्स का लाइफ कैसे इंप्रूव होता है ये भी आपको दिखाना पड़ेगा बताना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा फॉर दिस पर्पज द फिलिप्स इनिशिएटेड न्यू ब्रांडिंग कैंपेन लेट्स मेक थिंग्स बेटर तो उन्होंने न्यू पोजिशनिंग ले लिया लेट्स मेक थिंग्स बेटर तो इससे क्या लोगों के माइंड में ये पता चला कि फिलिप्स अपनी लाइफ को बेटर बना रही है अपने प्रोडक्ट्स को बेटर बना रही है अपने हाउस होल्ड अप्लाइंसिस को बेटर बना रही है दैट एवसाइज इंप्रूविंग पीपल्स लाइव थ्रू टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन तो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन यूज़ करके लोगों का लाइफ कैसे बेटर बना सकते हैं ये इन्होंने कम्युनिकेट करना चालू कर दिया और वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल की जो डिजिटल या टेक्निक टेक्नोस हैवी जो जनरेशन है उसके लिए द कंपनी रोल्ड द कैंपेन आउट ग्लोबली इन ऑल द मार्केट्स एंड रिलेटेड द कैंपेन टू ऑल इट्स प्रोडक्ट तो ये जो लेट्स मेक थिंग्स बेटर है ये ग्लोबली उन्होंने कम्युनिकेट कर दी और हर एक प्रोडक्ट में हर एक कैटेगरी के साथ लिंक कर दी दिस ऑल्सो ब्रॉड द होल कंपनी टुगेदर गेव एम्प्लॉयज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड प्रोवाइडेड अ यूनिफाइड कंपनी लुक फॉर एन एक्सटर्नल ऑडियंस तो इससे क्या हुआ कंपनी कंपनी के लोगों को आ, लोगों को एकजुट करने में हेल्प हुआ कंपनी के लोग सिनर्जी एक साथ काम करना चालू कर दिए कंपनी के लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ कंपनी के लोग ज्यादा एफिशिएंटली काम करने लगे द कैंपेन्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू हेल्प फिलिप कनेक्ट विद द पीपल एंड इन दिस एंड इट वॉज सक्सेसफुल तो टेक्नोलॉजिकल कंपनी का यही प्रॉब्लम होता है कि वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती और टेक्नोलॉजिकल कंपनी का लोगों से कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नहीं तो लोग वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करते नन द लेस द मैनेजमेंट टीम वॉज कंसर्न दैट द कैम्पेन डिड नॉट कन्वे द डिजाइन एक्सेलेंस और टेक्नोलॉजिकल सुपेरिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बट मैनेजमेंट को ये लगा कि अभी तक भी कंपनी अपना सुपेरिटी जो है या एक्सेलेंस है कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है टू आइडेंटिफाई द परसेप्शन कंज्यूमर्स हैड फिलिप अंडर टूक मार्केट रिसर्च स्टडी ऑफ मोर देन वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड कंज्यूमर्स एंड वन एटी कंपनीज हु वेयर कस्टमर्स ऑफ फिलिप्स अराउंड द वर्ल्ड तो एक हज़ार सात से एक हज़ार छः सौ पचास कस्टमर पे उन्होंने रिसर्च किया वन एटी कंपनीज जो उनके कस्टमर्स थे प्रोडक्ट्स परचेस करते थे उनके ऊपर भी रिसर्च करके अपना जो फाइंडिंग्स है वो

तो इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है बहुत सारा सर्वे किया है बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग ये लेके आ गए हैं रिगार्डिंग पोजिशनिंग ब्रांडिंग कंपनी का परसेप्शन ठीक है कंपनी का सेटिस्फैक्शन द रिजल्ट शोड दैट द कंज्यूमर्स बिलीव दे कुड रिलाई ऑन फिलिप्स प्रोडक्ट्स एंड दैट द कंपनी डिड लिव अप टू इट्स प्रॉमिस ऑफ मेकिंग थिंग्स बेटर तो लोगों को फिलिप्स पे विश्वास था और वो फिलिप्स सेटिस्फाइड थे ये उनके रिसर्च से सर्वे से पता चला द कंपनी ऑल्सो डिस्कवर दैट इट्स कोर टारगेट ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ वेल एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट डिसीजन मेकर्स बिटवीन थर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव तो इनके जो कस्टमर्स थे फिलिप के वो थर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव के बीच में थे और अब ज़्यादा एजुकेटेड थे ज़्यादा मतलब अवेयर uh, थे दिस ग्रुप टिपिकली डिसलाइक द अननेसेसरी हैजसेल ऑफन क्रिएटेड बाई द न्यू टेक्नोलॉजी एंड वैल्यूड सिंप्लिसिटी एंड इफिशियंसी इन ऑल फील्ड्स तो अननेसेसरी Uh, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ये लोगों को पसंद नहीं था लोग टेक्नोलॉजी तो चाहते थे अपने लाइफ में बट वो सिंपल वो टेक्नोलॉजी uh, के जरिए उनका लाइफ सिंपल करना चाहते थे कि कि कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से वो अपना लाइफ इफिशियंट बनाना चाहते थे ना कि कॉम्प्लिकेटेड इट्स मेम्बर्स वॉन्टेड टेक्नोलॉजी दैट कुड गेट द जॉब डन विदाउट ड्रॉइंग अटेंशन टू इट्स इट्स मेम्बर्स wanted technology that could get the job done without drawing attention to itself and were put off by the need to read, रीड uh, read and understand the complicated manuals before trying out their new purchases. तो जो टेक्नोलॉजिकली जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं उसमें मैनुअल पढ़ने का जरूरत नहीं होना चाहिए और वो इतने सिंपल होने चाहिए कि यूज करने में भी आसानी हो फिलिप्स एक्टेड ऑन दिस इंफॉर्मेशन बाय रीब्रैंडिंग इट अगेन द न्यू कैंपेन वॉज कॉल्ड सेंस एंड सिंप्लिसिटी तो फिलिप्स उसके हिसाब से सेंस एंड सिंप्लिसिटी का नया ब्रांड पोजिशनिंग कैंपेन लेके आ गया शिफ्टेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी विदाउट द हैसेल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी एंड दिस स्ट्रैटेजी स्टिल कैरेक्टराइजेस एवरी थिंग फिलिप डज तो उन्होंने फिलिप्स ने यह डिसाइड किया कि हम सिम्प्लिसिटी लेके आएंगे लोगों के माइंड में टेक्नोलॉजी को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे और वही बेनिफिट जो है कस्टमर को दे देंगे कि टेक्नोलॉजी ये समझने में और यूज़ करने में डिफ़िकल्ट नहीं इजी है एंड रिफ्लेक्स द मार्केट ओरिएंटेड और यही और यही सेंस एंड सिंपलिसिटी ही वो हर एक प्रोडक्ट में आजकल पोजीशन कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड रिफ्लेक्स द मार्केट ओरिएंटेड नेचर ऑफ द कंपनी और इसे ये साबित होता है कि कंपनी बहुत ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड है दैट इज एवरी थिंग इज डिजाइन टू मीट कस्टमर नीड्स एंड कंज्यूमर इन और वो कंज्यूमर नीड्स पे और कंज्यूमर इनसाइट पे बहुत ज्यादा काम करते हैं द सेंस एंड सिंप्लिसिटी कैंपेन वॉज बेस्ड ऑन थ्री प्रीमाइसिस फर्स्ट प्रोडक्ट्स आर डिजाइन अराउंड द कंज्यूमर तो इनके तीन पैरामीटर्स थे पहला पैरामीटर था कि प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइन अराउंड द कंज्यूमर तो कंज्यूमर को कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स बनाने आए सेकंड दे आर इजी टू एक्सपीरियंस और वो यूज़ करने के लिए बहुत इजी होना चाहिए थर्ड दे आर एडवांस और तीसरा कि उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होनी चाहिए फिलिप्स कंटिन्यूस टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन थ्री प्रीमाइस तो यही तीन जो अभी हमने बात किया वो तीन पैरामीटर्स लेके उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया

इंटर ब्रांड्स ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो गया एक ही साल में इट्स इलेवेंस in ये इलेवन टाइम्स उसका इंक्रीज हुआ था ठीक है इन 2004 बिफोर द लॉन्च ऑफ न्यू कैंपेन दोटल ब्रांड वैल्यू वॉज फोर पॉइंट फोर बिलियन बाई टू थाउजेंड फोर्टीन इट है तो 2004 में फोर बिलियन था और जस्ट टेन इयर्स में ये और 2014 में ये बिलियन डॉलर बढ़ गया तो क्वेश्चंस है आपके लिए इवेल्युएट फिलिप्स सेंस एंड सिंप्लिसिटी स्ट्रेटेजी वॉट आर द रिस्क एंड कंपनी फेसेस कंपनी फेसेस इन यूजिंग दिस टैगलाइन तो सेंस एंड सिंप्लिसिटी ये जो ब्रांड पोजिशनिंग कंपनी ने किया था इसके बहुत सारे फायदे हैं कि ये तो कि लोगों को पता चलता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है यूज़ करने के लिए इजी है यूज़र फ्रेंडली है हम भी यूज़ कर सकते हैं हमको परचेस करना चाहिए और अगर ये सिंपल है तो हमारे काम भी इफ़िशेंटली करेगी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये यूज़फुल होगा ये बहुत सारे बेनिफिट्स एक ही वर्ड में एक ही पंच लाइन में कम्युनिकेट कर दिए अभी इसमें प्रॉब्लम्स ये है इसमें जो रिस्क ये है कि अगर जो कंपनी uh, कस्टमर्स uh, है जो टेक्निक टेक्निकली साउंड या एजुकेटेड लिटरेट ऑडियंस है या पीपल uh, है या इंडिविजुअल्स है या कस्टमर्स है वो ये सोचेंगे कि फ़िलिप्स एक ऑर्डिनरी कंपनी है बहुत ज़्यादा हाई एडवांस कंपनी नहीं है ये एक इसका गलत मीनिंग निकलता है सेकेंड क्वेश्चन व्हाट स्ट्रैटेजीज कैन फिलिप्स फॉलो टू वार्ड ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम जापानीज मैन्युफैक्चर ऑफ द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तो जापानीज़ कंपनीज को कैसे कंपीट कर सकता है फिलिप्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनको अननेसेसरी जो बिजनेसिस हैं जहाँ पे लॉस मेकिंग बिजनेस है वो उनको बंद करना पड़ेगा उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से बिजनेसिस में उनको प्रॉफिट हो रहा है जो बिजनेसिस में प्रॉफ़िट हो रहा है उनके फैक्ट्रीज उनको लार्ज स्केल पर बड़े बनाने पड़ेंगे ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल सके प्लस इनके जो फिफ्टी थाउजेंड ब्रांड्स है उनको अम्ब्रेला ब्रांडिंग एक ब्रांड के अंडर करना पड़ेगा ताकि उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाए और ब्रांड पोजिशनिंग फ़िलिप्स का एक ही रखना पड़ेगा सब प्रोडक्ट्स के लिए उससे भी उसका उनका जो जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और अगर ये बहुत सारे ब्रांड्स को एक साथ एडवर्टिजमेंट करते हैं तो लोगों के माइंड में फिलिप्स का जो इमेज है वो इम्प्रूव हो जाएगा सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस केस स्टडी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो